कपित जाम्बू फल चारु भक्षणम् उमा सुतम् शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। संतवाणी चैनल के माध्यम से देश और विदेश में बसने वाले सभी भगवत प्रेमियों को, गणपति उत्सव के प्रेमियों को बहुत बहुत गणपति महामहोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं जय गणेश, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान गणपति हमारे जीवन के परम आराध्य हैं। भगवान गणपति के स्मरण से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है। हमारे दिन की भी शुरुआत भगवान गणपति से ही होती है, क्योंकि वो गणों में पूज्य हैं और भगवान प्रथम पूज्य हैं गणपति। और वही भगवान प्रथम पूज्य गणपति जिनका स्मरण भी हम लोग करते हैं और जिनका पूजन भी हम लोग करते हैं। उनका पेट बहुत विशाल है, तो वो यही कहते हैं कि हम भी अपना पेट बहुत विशाल रखें, लोभ के चलते नहीं, लेकिन जो दिल में बसी हुई बात है वो गणपति के जैसे हमारे दिल में वो बसती रहे, न कि दूसरों की ओर हम उसको रख दें। भगवान गणपति के कान बहुत बड़े हैं, तो कान यही कहते हैं कि भैया बहुत सुनो, बहुत गाओ, बहुत आनंद लो, लेकिन उस सब को पेट में, उदर में समाओ, उसको बाहर उगलो मत। ऐसा भगवान गणपति हमको कहते हैं। भगवान गणपति की आंखें बहुत छोटी हैं, तो भगवान गणेश यही कहते हैं कि भैया जगत को देखो लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखो, और जगदीश को देखो तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयत्न करो, क्योंकि वही परमात्मा सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है। भगवान गणपति लंबोदर हैं, मुशकस सवारी हैं। भगवान गणपति की मुशक की सवारी है। मुशक माने चूहा, चूहे के ऊपर बैठने वाले गणपति यही कहते हैं कि भैया सतत कर्मशील बनो, कर्म से ही हमारे जीवन की ध्येय और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो कर्मशील बने, लक्ष्यशील बने, ये सब कुछ हमको भगवान गणपति बताते हैं। और जब गणपति की कृपा हमारे जीवन में बनती है, उतरती है, तब हमारे जीवन में ज्ञान और गुण का प्रागट्य होता है। ज्ञान और गुण की निधि जब हमको प्राप्त होती है तब रिद्धि और सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वो भगवान गणपति की दो पत्नियां हैं, तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। और रिद्धि सिद्धि जब प्राप्त होती है तब उनके ही जीवन में दो पुत्र हैं, लक्ष्य और लाभ। तो हमारे जीवन में एक निर्धारित लक्ष्य नक्की होगा और उस लक्ष्य की ओर जब हम बढ़ेंगे तब हमको लाभ भी प्राप्त होगा। तो ऐसा लाभ और लक्ष्य और रिद्धि सिद्धि ज्ञान गुण भंडार भगवान गणपति हम सबके ऊपर बहुत सारी कृपा करें। और पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी चलती है उसको हम कोरोना महामारी में से भगवान गणपति हमको उस दुख की घड़ी में से भी हमको निकालें और सबको आनंद दें। पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष भगवान गणपति की कृपा का संपूर्ण प्रसाद के रूप में आनंद करें और भगवान गणपति सबको निर्विघ्नता पूर्वक जीवन जीने का एक प्रसाद अर्पण करें, ऐसा मैं भी भाव करता हूँ। संतवाणी चैनल के सभी दर्शकों, सभी पूज्य चरण, सभी विद्वतगण, आप सबको पुनः एक बार इस क्षेत्र से मैं पुनः एक बार जय गणेश कहता हुआ, आप सबको, पूरे विश्व को मंगल कामना कहता हुआ, सबको बहुत सारी बधाई देता हुआ, सबको जय गणेश, राधे राधे, जय सियाराम, महादेव हर, जय श्री कृष्ण। संत